ना हमारा काम तो मतलब काम हमारा बीजेपी ने किया है, और जहाँ तक लोगों के पास में स्कीम नहीं पहुँची इतना, वे पहली बार लोगों के पास स्कीम पहुँची है। राष्ट्र हित में वोट और बीजेपी की वोट, बीजेपी की वोट। इसके पास रखा क्या है, उनको ये नहीं पता प्रधानमंत्री कौन बनेगा। MSP भी खरीद बीजेपी ने कराई, नहीं तो चार चार दिन लाइन में लगे रहते थे यहाँ पे, चार चार दिन कहीं गिरदावरी करवा के लेके आओ, कहीं पटवारी से कुछ लिखवा के लेके आओ, ऐसे करके आते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुरु सबको तो दे रहा है, सारी योजनाएं दे रखी है, आयुष्मान कार्ड, सबको उज्ज्वल गैस की योजनाएं दे रखी है, सबके पास सिलेंडर है, हमारे पास सबके पास पीले कार्ड है, राशन फ्री मिल रहा है, क्यों नहीं आएगा। हरियाणा में 25 तारीख को वोटिंग होनी है, ऐसे में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है, और आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के कोसली विधानसभा में, और यहाँ पर माहौल क्या है, क्या राजनीतिक गर्मी क्या बढ़ी हुई है, सीधे जनता से जानेंगे, क्योंकि जनता लगातार यहाँ पर आ रही है और एक रैली है यहाँ पर, हम जनता से जानते हैं क्या माहौल है। चाचा क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है कि इस वक्त पारा राजनीतिक, मोदी 400 पार, 400 पार पार, बिल्कुल पक्का पक्का, कोई संशय नहीं, कोई संख्या नहीं, कोई डर नहीं, को बगैर लोभ लालच, क्यों ऐसा, क्यों 400 पार क्यों भैया, चोरा है की सरकार घनी साल देख ली, मोदी है एक पार, मोदी है चोरा की सरकार घनी देख ली भाई, ये कांग्रेस वाले चोर है। अच्छा चोर है, क्यों सही कह रहे हैं, चोर है, हाँ सही कह रहे हैं, क्यों चोर है, अच्छा बताओ चोर, क्योंकि ये तो गढ़ माना जाता था दीपेंद्र हुड्डा का, कौन है दीपेंद्र हुड्डा, हाँ दीपेंद्र हुड्डा ने करे क्या है, करा कुछ नहीं है, कुछ नहीं करा, उन्हें रोहतक के अलावा कितने ना करो, दक्षिण हरियाणा मारा कुछ नहीं, मारा दक्षिण हरियाणा में कुछ भी नहीं गया किसी का भी, बीजेपी सरकार जब से आई से मारा बालक लगे, ठीक है, उसने किस लिए वोट देना है, मतलब ये कह रहे कि रोहतक में ही विकास किया उन्होंने, खाली रोहतक। देखिए ये बात हमेशा उठती रही है कि दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि सिर्फ अपने रोहतक में उन्होंने विकास किया है और दूसरे का विकास नहीं किया है, जनता भी ये कह रही है, तमाम और लोगों से बात करेंगे, इनसे महिलाएं भी हैं और कुछ लोग भी हैं, मैडम आपसे बात करूंगा, 25 को वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी आओगी समय के सख सक हो, क्यों ऐसा लग रहा है आपको, क्यों उतना काम ना देखे 10 साल में, अच्छा काम हुआ है, क्यों कौन है, क्यों काम ना तो ना कौन देख दो, आप तो नहीं देखा, वोट आप डालेंगे, हम भी डालेंगे किसको? हाँ। तो फिर बस, तो फिर काम के नाम पे वोट डालेंगे, बस तो काम का नाम पे वोट डालेंगे। लेकिन ये जो बात अक्सर कही जाती है कि जो रोहतक क्षेत्र है पूरा दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है, पिछली बार तो चलो हार गए थे 7000 वोटों से, आपने परिवारवाद मरो उसमें फर्क नहीं देखियो, यह तो वह बात होगी, नंबरदारी वाली बात होगी, दादा ले पोतो बरते, इसमें कोई कोई बहुत थोड़ी है, परिवारवाद थोड़ी है, तो बदलाव होगा इस बार, बदलाव तो है ही, हम 10 साल तो बदलाव देखने लग रहे, बदलाव और होगा, होगा चलिए, बिल्कुल। तो ये बात सही कहती है कि जो दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ विकास रोहतक में ही किया था उन्होंने, नाम ना दीपेंद्र हुड्डा तो मतलब हमने हमारा काम तो मतलब काम हमारा बीजेपी ने किया है, और जहाँ तक लोगों के पास में स्कीम नहीं पहुँची इतना, वे पहली बार लोगों के पास स्कीम पहुँची है, चाहे वे पहुँची हो 60% आगे पूरी 100 की, लेकिन आगे तो वे 100 की 100 भी पहुँचेंगी, हाँ बिल्कुल। देखिए इनका कहना है कि जो स्कीमें हैं सरकार की वो जनता तक पहुंच रही हैं, वाकई में जनता तक पहुंच रही है स्कीम, बिल्कुल पहुंच रही है जी, कत एक नंबर, एक नंबर, हाँ जितेगा बीजेपी आएगी, कोई हैरान नहीं, जिसने चालू किया था कांग्रेस ने चालू कराया था, लगान की हिम्मत हुई कांग्रेस की, मोदी सरकार ने लागू किया, कितने बीपीएल परिवारों को फायदा मिला, मर जाते फिर बीपीएल परिवारों को फायदा मिला, क्यों जो बात महिला जी कह रही हैं कि जो स्कीमों का फायदा हो रहा है वो वाकई में मिल रहा है जनता को, 100% मिल रहा है, 100% मिल रहा है, 100% मिल रहा है। आप बताइए कि कमल दोबारा से खिलेगा या पंजा दोबारा से अपना हाथ, दोबारा कमल, कमल 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 खिले, कमल लगातार लगातार, अब की कमल रहा हो, अच्छा हाँ मोदी जी होगा इतना कमल ही रहो, जब तक मोदी जिएंगे तब तक कमल रहेगा, ये जनता की आवाज है, तमाम और लोग हमसे रहे हैं। चाचा आप बताओ चश्मा लगा के एकदम कहाँ जा रहे हो, इतना स्मार्ट जलसे में जा रहे हैं, जलसे में जा रहे हो, तो जलसा इस बार क्या कह रहा है, क्या किस तरफ जलसे की हवा दिख रही है, बीजेपी की हवा नजर आ रही है, बीजेपी बीजेपी की हवा नजर आ रही है, क्यों ऐसा क्यों, मोदी किसका है उसके सामने कोई दूसरा कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा प्रधानमंत्री का इसलिए। तो लेकिन ये जो क्षेत्र के नेता लोग हैं यहाँ पे, चाहे अरविंद शर्मा हो बीजेपी की तरफ से, दीपेंद्र हुड्डा हो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और उनका गढ़ भी माना जाता है, ये क्या लगता है कि राजनीति पहले से कितनी बदली है यहाँ पे, कुछ बदलाव आया इस बार, बदलाव आया, काफी बदलाव है, तो क्या बदलाव देख रहे हैं कि कांग्रेस दोबारा आएगी क्या, नहीं कांग्रेस से चांस कम ही है अब तो, बीजेपी का लग रहा है, बीजेपी ज्यादा है, ताऊ भी थोड़ा साइड में बोले, गाड़ी आ रही है, क्या क्या लग रहा है, बता दी आपने, तम बताओ तम बताओ, ताऊ शर्मा रहा है, बिल्कुल राष्ट्र हित में वोट और बीजेपी की वोट, बीजेपी की वोट पक्की कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस का बिल्कुल नजदीक नहीं लागे, क्यों
बस बस। देखिए जनता जनार्दन है, सब जानती है, कुछ और लोगों से बात करेंगे क्योंकि जनता लगातार यहाँ पर आ रही है, क्योंकि जलसा है यहाँ पर, एक रैली होनी है। और ताऊ ये बताओ, बड़ा मुस्कुरा रहे हो खड़े होके, क्या जी? बहुत बढ़िया काम चल रहा है, जबरदस्त जनसंख्या आ रही है, काफी रैली का जोर हो रहा है पब्लिक का। तो ये बताओ, अंतिम दौर में चुनाव है और क्या लग रहा है आपको कि बहुत भारी जीत है? बहुत भारी जीत। हाँ, पहले 75 पार था ना, इनका 100-1 लाख पार होगा, कोई ऐसी बात नहीं, 1 लाख पार होगा। देखिए इनका कहना है कि पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा 7,000 से हारे थे, इस बार लाखों वोटों से दीपेंद्र हुड्डा हारे थे पिछली बार। हाँ ये बोलो, लाओ सुन ले पहले। देखिए और भी लोग हैं तमाम, आप मैडम आप बताइए कि अभी हमारा रूट चल रहा है थोड़ा एक अच्छा गाड़ियों का रूट चल रहा है। देखिए गाड़ियों का रूट चल रहा है इनका, लगातार जो भीड़ है वो आ रही है। भाई आप बताओ क्या लग रहा है इस बार? गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है, राजनीतिक गर्मी क्या कह रही है? राजनीतिक गर्मी तो निकाल से बीजेपी जीत रही है, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है। ये आंधी चल रही है बहुत तेज, तो गर्मी इतनी हो रही है। अरविंद शर्मा की बहुत भारी, मोदी की जो बहुत भारी लहर है हमारे यहाँ पे कोसली विधानसभा से, बहुत भारी एमपी की जीत है, कोई किसी साइड चिंता नहीं, फुल पब्लिक काम बोलते हैं, मोदी काम बोलते हैं। कांग्रेस तो कहती है कि सिर्फ मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं, बातें करते हैं। अरे नहीं, कांग्रेस के पास रखा क्या है, उनको ये नहीं पता प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, हुड्डा है, ये एक परिवार है, बाबू के भी दादा, कभी पोता कभी बेटा, यही रहता है। इसके अलावा कोई और किसी इंसान का नंबर नहीं पढ़ने देते, किसी को आने नहीं देते हैं, किसी को नहीं आने देते। ठीक, और आदमी कहीं जाओ, अपना बेटा ऐसा हुड्डा के बबली उड्डा के सबली उड्डा के दपंदर उड्डा। कहीं इनका ये कहना है कि परिवारवाद यहाँ पर चलता आ रहा है लंबे अरसे से, कुछ युवा भी यहाँ पर खड़े हैं, आइसक्रीम ले रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? आइसक्रीम का स्वाद चाचा ये बताओ, आइसक्रीम तो सब यहाँ पे खा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक स्वाद किस चखने को किसको मिलेगा, कांग्रेस को या बीजेपी को? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों ऐसा लग रहा है आपको? जो राजनीति का स्वाद है वो किसे बीजेपी के चखने मिलेगा? कुल्फी में भी स्वाद आएगा, बीजेपी में भी आएगा। अच्छा, कुल्फी में स्वाद आएगा। अच्छा देखिए, इनका कहना है कि जो राजनीति का स्वाद है वो यहाँ पर बीजेपी चखने वाली है, और कुल्फी ज्यादा कुल्फी का स्वाद बीजेपी चखेगी या कांग्रेस चखेगी? कुल्फी फ्री है, सब एक से है इनका कहना है। भाई ये बताओ, आज तो कुल्फी धड़ाधड़ बिक रही है, फ्री बांट रहे हैं मोदी जी की तरफ से। अच्छा फ्री बांट रहे हैं, देखिए ये फ्री कुल्फी बांट रहे, क्यों भाई क्यों? मोदी जी की तरफ से। अरे अंकल जी निकाल लेने दो। मोदी जी की तरफ से? हाँ। क्या मोदी जी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है? कुछ भी नहीं दिया है मेरे को, मैं फ्री बांट रहा हूँ। फ्री बांट रहे हैं। तो ये बताओ डेली की कितनी कमाई होती है? जो कमाई है बस रोटी दाल मिल जाती है और क्या, आज तो वो भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि फ्री आज नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, एक दिन में भूखे नहीं चले मर जाएंगे। देखिए ये लोगों के इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, इनका कहना है कि क्या नाम है आपका? अजय पाल जी। अजय पाल ये बताओ कि कब से आप ये आइसक्रीम का काम कर रहे हो? गया है कम से कम एक दो महीना। एक दो महीने हो गए हैं, तो आज आप फ्री बांट रहे हो? आज फ्री बांट रहे हैं मोदी जी की तरफ से। मोदी जी की तरफ से? देखिए मोदी जी की तरफ से आइसक्रीम फ्री बांट रहे हैं, नुकसान भी सहने को तैयार हैं, लेकिन क्यों? अच्छा क्यों ऐसा आपको लगा कि फ्री बांटनी चाहिए? अरे जनता है, जनता को खिला रहे हैं। जनता खिला रहे हो और क्या? आपको लगता है कि मोदी सरकार अच्छा काम करती है? अच्छा तो करती है। देखिए बूढ़े आदमी खड़े हैं, कह रहे हैं बूढ़े आदमी को खिला दो, बूढ़े आदमी को नहीं खिलाएंगे। बाबा ये बताओ फ्री आइसक्रीम मिल रही है आज तो? फ्री खाएंगे। और क्या क्या फ्री मिलता सरकार में? बाबूजी यूपी में 13 तारीख को पोलिंग थे, दबा के वोट डाल के आया हूँ बीजेपी पे। अब यहाँ डालोगे? अब यहाँ क्या पड़ेगा हमारा, फिर यूपी में डाल के आया हूँ। अच्छा, वहाँ पे तो अपना ही था ही, कमल का ही वोट। ये यूपी में वोट डाल कर आए हैं और फ्री का रखा, बताओ मेरे। देखिए ये यहाँ पर एक बड़ी दिलदारी दिखा रहे हैं, इनका कहना है कि कुल्फी ये फ्री खिला रहे हैं। तो ये बताओ आज ही आज फ्री है, उसके बाद भी है? आज ही आज ही है सर, और क्या, हम रोज कहाँ खिला पाएंगे गरीब आदमी? आज ही आज है, कल गाजियाबाद है। चलिए देखिए ये जनता है, और अलग अलग तरह के रंग देखने को मिलते हैं हमको, उनमें से एक रंग है कि जनता यहाँ पर आ रही है, और चूंकि आखिरी दौर है चुनाव का प्रचार का यहाँ पर हरियाणा में, 25 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, ऐसे में जो जनता है उनका ज़्यादातर ये कहना है कि बीजेपी ने यहाँ पर अच्छे काम किए हैं, कुछ लोग यहाँ पर जीत कर दावा भी कर रहे हैं अभी से, और कुछ लोग खुशी में इस बात के आइसक्रीम फ्री बांट रहे हैं। तो ये चुनावी रंग है जो देखने में आ रहे हैं हमको, और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में 25 तारीख को यहाँ पर कमल दोबारा से बाजी मारेगा, या फिर कांग्रेस अपना एक बार हाथ दोबारा से यहाँ पर समेटने में कामयाब रहेगी।
चुनावी माहौल में महिलाएं भी कहीं ना कहीं जो अपनी भागीदारी है पूरी तरह दिखाती नजर आ रही हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर रैली में आई हैं, जानेंगे। ये बताइए कि दोबारा से कमल खिलेगा या पंजा दोबारा से खिलेगा? कमल खिलेगा। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? सब कुछ तो दे रहा है, सारी योजनाएं दे रखी है, आयुष्मान कार्ड, सबको उज्ज्वल गैस की योजनाएं दे रखी है, सबके पास सिलेंडर है, हमारे पास सबके पास पीले कार्ड है, राशन फ्री मिल रहा है, क्यों नहीं आएगा? राशन फ्री मिल रहा है? हाँ जी, आज आइसक्रीम भी फ्री मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर खाएंगे। अच्छा ये बताओ कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। क्या क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? जो सब चीज का कर रखा है सरकार ने, वो सभी मिल रहा है। कुछ बताइए, योजनाएं बताइए। ये आधार कार्ड है जैसे सब चीज, आयुष्मान है, गैस सिलेंडर, तमाम महिलाएं हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? जाटसाना से जी। तो ये बताओ कि गर्मी तो इतनी है, इतनी गर्मी भी आप लोग घर से बाहर निकल कर आए हो? स्पेशल मोदी के लिए आए हैं जी। स्पेशल मोदी के लिए आए हैं? देखिए, स्पेशल मोदी के लिए घर से निकल कर आई हैं। तो जो सरकारी योजनाओं का फायदा मिल पा रहा है आपको? हाँ जी, सिलेंडर मिल गया, आधार कार्ड रहा, आयुष्मान कार्ड रहा, हर चीज का। रेट भी तो बहुत हो रहे हैं। के रेट है जी, तो 500 रुपया का रखा है, अरे 10 रुपया भी लग गया, कोनी फ्री में सिलेंडर दे दिया, फ्री मिल जाता है। हाँ जी। और बताइए कि क्या लगता है कि इस बार कमल खिलेगा दोबारा से अम्मा, या पंजा आ जाएगा? ना कमल बाग कम धंधा ना नहीं जीतेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। देखिए महिलाएं भी आवाज लगा रही है, कमल खिलेगा। और देखिए फ्री आइसक्रीम का मजा यहाँ पर महिलाएं भी लेने में लग गई हैं, क्योंकि आज जो आइसक्रीम वाले भैया हैं उन्होंने आइसक्रीम फ्री कर दी है। उनका कहना है कि वो सिर्फ मोदी के लिए आज के लिए आइसक्रीम फ्री बांट रहे हैं। 25 तारीख को कौन किसको पानी पिलाएगा चुनावी मैदान पर, ये देखने उतरे हैं हम जनता के बूथ, जनने निकले हैं बूथ की क्या वक्ता है, क्योंकि यहाँ पे पानी पिलाया जा रहा है। लेकिन असली पानी क्या बीजेपी कांग्रेस को दोबारा पिलाने वाली है, या कांग्रेस दोबारा से बीजेपी को धूल चढ़ाएगी? वैसा ये बताओ कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी पिला रहे हैं आप जी, चुनावी मैदान में कौन किसको पानी पिलाने वाला है इस बार? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस ये था कि आज गर्मी ज़्यादा है तो 100 लोग बाग आएंगे, तो इसलिए पानी का कर लिया हमने, सेवा की जा रही है जी। हाँ। अच्छा, अगर मैं राजनीति की बात करूँ यहाँ पर, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी पलड़ा भारी है या कांग्रेस का लग रहा है आपको? राजनीति में ऐसा है जी, हम लोग तो मतलब नॉर्मल उसमें चले तो हमारे यहाँ ठीक ठाक है, बीजेपी के हिसाब किताब। हाँ। वो पानी पिला देगी लगता है आपको कांग्रेस? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कि ये पकड़ की बात बोली है कि पत्ते नहीं खोल रहे जनता कि कौन किसके पानी पिलाएगा। आप बताइए भाई साहब क्या लग रहा है सरगर्मी इस बार? सरगर्मी बीजेपी है, बीजेपी है। हाँ। और हरियाणा में बीजेपी फिर दोबारा से एक बार परचम फैलाएगी। हाँ, परचम फैलाएगी। आप बताओ भाई साहब क्या लग रहा है? भाई साहब बीजेपी 400 पार, 400 पार है बिल्कुल, अब की बार बीजेपी 400 पार। लेकिन जो जिस तरह की वोटिंग हो रही है उससे लग तो नहीं रहा है कि 400 पार हो जाएगी बीजेपी? भाई साहब देखना परसेंटेज कम जा रहा है, अब राव साहब आएंगे, राव इंद्रजीत, और देखना एक तरफा कर जाएंगे, 400 पार कर देंगे, बिल्कुल कर जाएंगे भाई साहब। राव इंद्रजीत साहब यहाँ पर आएंगे तो मोदी सरकार 400 पार चली जाएगी, ये इनका कहना है। आप बताइए भाई साहब की क्या लग रहा है, क्योंकि हाँ जी जी पानी हमने पिया है, हमने पिया है। आप बताओ ये, चूंकि जो पूरा इलाका है मंडी है, किसान लोग यहाँ पे तमाम आते होंगे, किसानों की समस्या क्या सरकार ने सुनी है? सुनी है सर, सुनी है। MSP भी खरीद बीजेपी ने कराई है, नहीं तो 4-4 दिन लाइन में लगे रहते थे यहाँ पे, 4-4 दिन कहीं गिरदावरी करवा के लेके आओ, कहीं पटवारी से कुछ लिखवा के लेके आओ, ऐसे करके आते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ कुछ। लेकिन कांग्रेस तो लगातार ही कहती है किसानों की बात नहीं करती सरकार? नहीं करती है सरकार, ऐसी क्यों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सबका सरकार सब बात करती है। किसानों को फायदा भी हुआ है? फायदा भी हुआ है, सारा काम अच्छा हुआ है, कितना तो मुआवजा दे दिया और किसानों के खातों में सीधे 6,000 रुपए दे रही है हर साल के, तो बीजेपी मतलब किसानों की बात किया, किसानों की बात कर रही है। चलिए इनका कहना किसानों की बात हो रही है, कुछ और लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, आप इनसे बात करेंगे। आप बताओ भाई साहब कि क्या लग रहा है माहौल इस बार? जी माहौल का बीजेपी पार से, पार से या 400 पार से? 400 पार पक्का, पक्का, कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। हाँ बिल्कुल जी, जो मोदी भगत सी हुए तो बिल्कुल 400 पार पहुंचा हुआ, तो आप भक्त हो? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी भगत हम। देखिए अभी मोदी भक्त, इनका कहना 400 पार है। भाई साहब आप बताओ, ये तो कह रहे हैं कि जो मोदी भक्त वो 400 पार करेगा? जी बिल्कुल 400 पार है, और हर मतदाता देश हित में इस बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट दे रहा है, क्योंकि उन्होंने धारा 370 हटाना, उससे क्या फायदा हुआ आपको? धारा 370 जो बहुत मात्रा आपको, आपको क्या फायदा हुआ है? हमें तो फायदा है जी, हमारे देश का लाल चौक वगैरह झंडो नहीं फहरा, इस बार झंडो फहर रहा है, ये अच्छी बात है, झंडा फहरा है, इससे आपको पर्सनली क्या फायदा हुआ? नहीं हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता है, इससे ज्यादा खुशी हमें कोई नहीं, ये अच्छी बात है कि देश का मान सम्मान बढ़ा है ना, हमने परिवार ना सुनो, हमने अपना देश सुनो, हमने देश हित में वोट डाल, हम परिवार हित में ना डाल रखा हमने। राहुल गांधी तो कहते हैं मोदी का परिवार ही नहीं है कोई, कौन मोदी का परिवार है? देश पूरा अपने मोदी ने, मोदी जो स्टेटमेंट दे मारो, जो देश है मेरे पूरा परिवार से मेरा कोई, तो देश गांधी जो बात कहते हैं राहुल गांधी जी
नाचा हो राहुल गांधी, तो हमने देखे हुए कौन है, देखा नहीं है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर चलते हैं जनता के पास। भाई साहब थोड़ा साइड हो जाओ जरा। भाई साहब क्या लग रहा है, ये तो कह रहे हैं कि जो मोदी वक्ता 400 पार करता है, क्या वाकई में 400 पार हो रही है इस बार, लग रहा है? बिल्कुल हो रही है जी, 400 पार जाएगी, बिल्कुल 400। क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जाएगा? काम करें भाई साहब, काम करें, काम दिख रहे हैं लोगों को, काम दिख रहे हैं। हरेक आम जनता है, जो गरीब है, गरीब पदके का जो लोग है, उसके लिए कितने काम करें। और लोग अपने मन से वोट देंगे, किसी कहने से वोट नहीं देंगे, मन से वोट देंगे। हम और लोग बैठे हैं उनके बीच बैठ के बात करते हैं। भाई साहब आप बताओ, हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा में फेमस है, जब भी कोई आते हैं तो हुक्का रखा जाता है, क्या लग रहा है इस बार की? अब की बार पूरी 10 की 10 सीट हरियाणा से है जी, अच्छा। बीजेपी की, और 400 पार ऊपर है जी, इसमें कोई संदेह नहीं है जी, कोई संदेह नहीं है। लेकिन और ये सारा काम हम बीजेपी के लिए कर रहे हैं, इधर बैठ के, ये हुक्का भी, ये पानी भी, व्यवस्था भी, सब अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी के लिए। ये बताओ आप सब बीजेपी के सपोर्टर हैं? हाँ जी, बीजेपी के सपोर्टर हैं, बिल्कुल जी, सब सपोर्टर, घर से भी, आप भी, जो भी, सब बीजेपी के हैं, सब बीजेपी के हैं। ये बताइए कि क्योंकि ये जो लोकसभा आती है, लोकसभा रोहतक लोकसभा आती है, यहाँ पर अक्सर दीपेंद्र हुड्डा जीतते आए, यहाँ पर पिछली बार हालांकि वो हार गए थे, तब लोग जी बिल्कुल, आप लोग समझदार हो गए, सबको पता है जी। तो ये बताओ, पिछली बार तो 7,000 के मार्जिन से बीजेपी जीती थी, इस बार क्या मार्जिन रहने वाला है? अब की बार 20,000-30,000 से ऊपर जीत है जी, 20,000-30,000 से जी, बस इतना ही, ज्यादा मार्जिन 40 भी हो सकती है जी, 40 ऊपर ऊपर है जी। आप बताओ भैया कि क्यों शर्मा रही है बात करने में? चलिए कोई बात नहीं सर, आप बताइए कि जो बातें इस वक्त चल रही हैं तमाम राजनीतिक, कि बीजेपी कह रही है हम 400 पार जाएंगे, कांग्रेस कह रही है कि नहीं हम अपना पंजा दोबारा खिलाएंगे, कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी, क्या वाकई लग रहा है, कुछ माहौल ऐसा लग रहा है आपको? सर ये जो कह रहे हैं, ये जो भी जितने भी हैं, इसी वजह से बता रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है कि क्या काम हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, उसी हिसाब से हो रहा ना, इसी वजह से कह रहे हैं कि मोदी का परिवार है, तो इसी वजह से कह रहे हैं कि सब जीत विधानसभा की, लोकसभा जो भी है, मोदी की होगी, मोदी की जी। देखिए मोदी का जोर यहाँ पर नज़र आ रहा है, और चूंकि चुनावी माहौल है, सियासी गर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है, गर्मी एक तरफ जहाँ बढ़ी हुई है तो सियासी गर्मी बहुत ज़्यादा है। 25 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और 4 जून को जब वोटिंग मशीन से ईवीएम खुलेंगी, तब पता चलेगा कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से इस बार दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं या अरविंद शर्मा यहाँ से दोबारा से बाजी मारते नजर आएंगे।